अच्छा जी, इस्लामाबाद में एक जगह है नीला सांड पिकनिक स्पॉट, या नीला सांड पिकनिक पॉइंट ज़्यादातर उसको कहते हैं। उधर एक क्या कहते हैं, वाटरफॉल है और पॉन्ड्स हैं। एक वाटरफॉल इधर है, एक नीचे है, पॉन्ड है और उस उधर वाटरफॉल है। बड़ी अच्छी सी जगह है, लेकिन बहुत कम लोग उस जगह को जानते हैं। ये मेरी अपनी ही कुछ वीडियोस हैं, इसके बारे में दो तीन वीडियोस मैंने अपलोड की थी। तो इसमें अक्सर कमेंट्स में, जैसे एक इधर कमेंट आया हुआ है या दूसरे वीडियोस पे आया हुआ था, इसमें लोग ये पूछते हैं अक्सर मुझसे कि यहाँ पे पहुँचा किस तरह जाए। तो बड़ा सिंपल है, उनको मैंने अक्सर जगह पे रिप्लाई भी किया विद कमेंट एक मैप के लिंक के साथ, लेकिन आज प्रॉपरली मैं आपको गाइड करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, तो वो हेल्पफुल हो जाएगा इस जगह पे पहुँचने के लिए। सो गाइडेंस आपने गूगल मैप से ही लेनी है। गूगल मैप से जाते हैं और यहाँ पे ये मैंने डायरेक्शंस के लिए ये आइकन क्लिक किया डायरेक्शंस के लिए। हमारी जो नॉर्मल डेस्टिनेशन है वो इस्लामाबाद कर देते हैं, और जहाँ से हमने जाना है, नहीं इधर हम इस्लामाबाद करेंगे फर्स्ट, इस्लामाबाद, और यहाँ पे करेंगे हम नीला साहन पिकनिक स्पॉट पॉइंट इस्लामाबाद। मैंने इस्लामाबाद इधर इसलिए सेलेक्ट किया कि मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे होते हैं, या तो पिंडी से आ रहे होते हैं या किसी और जगह से, तो वो हर तरफ से मैं गाइड कर दूंगा। असल में इस्लामाबाद में एक ये एक्सप्रेस वे है जो रवात की तरफ जाती है। ये ओरिजिनेट करती है यहाँ से, F7 और G7 और F7 के दरमियान से। ये 7th एवेन्यू जो है इस्लामाबाद की, वहाँ से जाती है। खैर एक्सप्रेस वे का तो पता ही होगा सबको, ये जो रवात पे जाती है, तो वहाँ से एक रोड अंदर जाती है लेहतराड़ रोड। इस साइड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर तो आप इन सब एरियाज़ में रहते हैं, ये मुस्लिम टाउन और ये जितनी भी कॉलोनीज़ वगैरह हैं, तो बेस्ट वे ये वाला है। या फिर अगर आप इस्लामाबाद के दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, तो फिर ये दो रास्ते दिखा रहा है। असल में जो रोड है मेन, सबसे पहले ट्रैक पे जाने के लिए आपको लेतराड़ रोड पे चढ़ना है किसी तरह। तो अगर तो नॉर्मल इस्लामाबाद शहर के अंदर से या इवन पिंडी से भी आ रहे हैं आप, तो आपको पहले चक शहज़ाद वाली साइड पे आना है। ये काम सेट यूनिवर्सिटी है उधर, बल्कि काम सेट यूनिवर्सिटी से पहले ही आता है यहाँ पे चक शहज़ाद। ये शहज़ाद टाउन और फिर ये चक शहज़ाद, इस साइड पे बनी गाला वगैरह है। ये रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली साइड इसके अपोजिट, ये बनी गाला और वो वाला सारा एरिया, और ये चक शहज़ादा है। इधर आके एक त्रामडी चौक है, वहाँ से आपने लेतराड़ रोड पे चढ़ जाना है। सो आप लेतराड़ रोड को एक्सेस कर सकते हैं त्रामडी चौक से, या फिर लेतराड़ रोड पे जा सकते हैं आप डायरेक्टली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से। लेतराड़ रोड पे जाने के बाद, वंस यू आर ऑन लेतराड़ रोड, उसके बाद बस आपने जाते ही जाना है, कोई मोड़ नहीं है, ये सीधा बस उसी रोड पे ही आगे मुख्तलिफ आते हैं, मुख्तलिफ जगह आती हैं। जैसे एक ये आप रोड आ रही है, यहाँ पे भी कोई टर्न नहीं लेना, ये सीधा सीधा बस आप जाते जाएंगे इन रोड्स पे और पहुँच जाएंगे एक स्पेसिफिक जगह पे, जहाँ पे एक ये पुल्स है, पुल के ऊपर से एक ये रिवर वगैरह जा रहा है, और ये सारा जो है ना नीला सांड पिकनिक पॉइंट यहाँ पे है। सो दैट्स इट। ये जो लिंक है इसको मैं शॉर्ट करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एग्जैक्टली बस इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, वो टाइनी लिंक जो भी इसका मैं बनाऊंगा उसको, और एग्जैक्टली ये मैप ओपन हो जाएगा और आप इसको कर सकते हैं। और जाते हुए आप मोबाइल पे भी गूगल मैप्स पे अपनी लोकेशन, नीला सांड की पिकनिक पॉइंट की लोकेशन सेट करें, और आराम से आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। और एक और पोस्ट भी मैंने बनाई हुई थी, उसके अंदर ये तीनों वीडियोस थी, एक मैप था, उसमें कोशिश करूँगा मैं एक इंटरेक्टिव मैप भी लगा दूँ, उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, सो वो भी देख सकते हैं। और
एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो में। सो दैट इज़ इट। और ये अगर आपने नहीं देखी तो बड़ी अच्छी जगह है, ये जाके देखनी चाहिए। ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, जस्ट 44 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इस्लामाबाद। दैट इज़ यहाँ पे जो कचहरी होती है वहाँ से ये होता है। और ये कौन सा एरिया है, G11 का, G11 से ये 44 किलोमीटर है, तो आपके लिए ये और ज़्यादा करीब हो सकता है। और है ये बहुत ही अच्छी जगह, इसरा पानी है और बड़ा कुछ है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।